हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। आज मैं धर्मशाला आया हुआ हूँ। धर्मशाला में मैं अभी क्रिकेट स्टेडियम में हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में, और इसका एक लोगों का जो टिकट है वो 30 रुपीज़ है। तो आइए चलते हैं, ले लेते हैं अपने टिकट को, उसके बाद आपको सीधे ले चलते हैं स्टेडियम के अंदर। तो अब मैं स्टेडियम के अंदर आ चुका हूँ टिकट चेक कराने के बाद। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ स्टेडियम के अंदर, और देखिए कैसा है धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला दलाई लामा की वजह से फेमस है, और यहाँ की और ज़्यादा फेमस बनाता है ये क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम 23,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आपको इतना पास से अपने फेवरेट बैट्समैन को देखने का मौका देता है। और यहाँ पर आप इस ग्राउंड में क्रिकेट तो देखेंगे, और साथ में जैसे आप ये पहाड़ और ये जो व्यूज़ हैं ये देखेंगे, और इस ग्राउंड को ये पहाड़ और ये व्यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम बनाते हैं। और जैसे कि आप यहाँ अगर आपकी गैलरी की जो सीट्स होंगी, इस सीट से आप अपने जो बैट्समैन हैं बिल्कुल करीब से देख सकते हैं, बिल्कुल सामने से उनसे बातें कर सकते हैं, उनके संग एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस देगा और आपको बहुत सारी मेमोरीज देगा। टीवी पर जब मैच देखते हैं तो क्रिकेट का जो स्टेडियम है काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, बट असल में ये उतना बड़ा नहीं है। अगर आप धर्मशाला प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, तो आप यहाँ पर आकर क्रिकेट स्टेडियम ज़रूर आएँ और इसको देखें, और यहाँ की खूबसूरती जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पहाड़ और ये स्टेडियम, और अपने आप में जो ग्रीन ग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर आपके फ़ोटोज़ और पिक्चर्स बहुत ही क्लियर और बहुत ही ब्यूटीफुल आएंगे, और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार मैं मैच क्यों नहीं देखने गया। अगर अभी तक आप लोग मैच देखने नहीं गए, क्योंकि मैं भी यही फील कर रहा हूँ कि मैं आज तक क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने क्यों नहीं गया, और अभी तक इस स्टेडियम में जब तक मैंने देखा नहीं था स्टेडियम कैसा होता है, मैं भी यही सोचता था कि टीवी पर जो क्रिकेट का जो मैच है वो देखने में बहुत मज़ा आता है, रिप्ले देखता है, बट नहीं, यहाँ पर जो फील है यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि नहीं, टीवी से बहुत ज़्यादा अच्छा मैच आपको स्टेडियम में आकर देख सकता है। तो धर्मशाला का जो स्टेडियम है वो बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। आप कभी भी इन फ्यूचर अगर धर्मशाला मैक्लोडगंज को प्लान करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मैच अगर धर्मशाला में है तो उसी टाइम कर लें, तो जिसकी वजह से आप मैच भी देख लेंगे और धर्मशाला और मैक्लोडगंज को भी विजिट कर लेंगे। तो मेरे साथ अभी यहाँ पर एक टूरिस्ट हैं, वो मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ और पूछता हूँ कि कैसा लगा उनको धर्मशाला का एक क्रिकेट स्टेडियम। तो सर आपका नाम क्या है? गुरमीत सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर सुंदरनगर से आया हूँ। सुंदरनगर से आए हैं, तो कब आए थे आप सुंदरनगर? मैं सर मेरे को 2 दिन हो गए यहाँ पे। 2 दिन हो गए, तो कैसा लग रहा है आपको धर्मशाला और मैक्लोडगंज? सर बहुत सही लग रहा है, एक तो यहाँ का वेदर बहुत सही लग रहा है, यहाँ का वेदर बहुत सही है, ठंडा वेदर है, गर्मी में शायद ऐसे रहता होगा। अच्छा अच्छा। और बारिश तो यहाँ कंटिन्यू लगी है, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। ओके, तो आपको अब इस क्रिकेट स्टेडियम में जब अभी आप आए तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या फील हुआ यहाँ पर आकर? स्टेडियम में आके मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और स्टेडियम यहाँ पहले सबसे सही बात यहाँ की है कि साफ़ सफाई बहुत है स्टेडियम में, बाकी स्टेडियम में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती। जैसा कि हमको गुरमीत जी ने बताया कि ये स्टेडियम में इनको काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई लग रही है, और बाकी स्टेडियमों में इतना साफ़ सफाई नहीं दिख रही, जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा कितना क्लीन और कितना सही सा वेल मेंटेन सा ये स्टेडियम है। तो आप भी कभी धर्मशाला आएँ, तो गुरमीत जी जैसे रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप भी धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम आ सकते हैं। 2 साल से तकरीबन 2 साल से यहाँ पर मैच नहीं हुआ है, पर फिर भी मेंटेन रखा हुआ है, पूरा स्टेडियम मेंटेन है, स्टेयर्स मेंटेन है, और जो भी है सब ग्राउंड पूरा मेंटेन है। तो मेरे और गुरमीत जी की तरफ से आपको मस्ट विजिट रहेगा धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। तो आप बने रहिए वीडियो में पूरे एंड तक, देखिए धर्मशाला में आप क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देखने के बाद धर्मशाला में वार मेमोरियल प्लेस पर आ चुका हूँ। ये प्लेस उन सभी हमारे शूरवीरों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने आज की चिंता ना करते हुए हमारे कल के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, ये सारे हमारे जो देश के हिमाचल प्रदेश के जो शहीद हैं आर्मी के, उनकी याद में इस मेमोरियल प्लेस को बनाया गया है 1977 में। जितने भी शहीद
हुए हैं आज तक, उन सभी के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं रैंक वाइज, और 1999 तक जितने भी हमारे शहीद हैं हिमाचल प्रदेश से, ये उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है और उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और ये इतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा खूबसूरत महसूस करेंगे अपने फ़ोटोज़ को, अपने वीडियोज़ को, कि आपको किसी भी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िल्टर आप भूल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में आके, तो नो फिल्टर वाली अगर सेल्फी और वीडियोज़ आपको चाहिए तो मस्ट विज़िट रहेगी आपके लिए धर्मशाला और मैक्लोडगंज। यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल भी शोर शराबा तो मिलेगा ही नहीं, और आपको एक स्पिरिचुअल जो पीस होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो वार मेमोरियल में धर्मशाला में हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं। आपका नाम क्या है? सक्षम। हमारे साथ सक्षम है श्रुति। आप लोग अभी स्टूडेंट हैं? क्या किस क्लास में पढ़ रहे हैं? एक्चुअली हमने 12 पास आउट, देखिए 12 पास आउट किया है, और इंडिया का फ्यूचर देखिए ट्रैवलिंग में कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। 12th क्लास के स्टूडेंट पास होने के बाद धर्मशाला घूमने आए हुए हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है धर्मशाला में? बहुत अच्छा, बिकॉज यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा, वेदर बहुत अच्छा है। वाह, तो जैसा कि श्रुति जी ने बताया कि उन्हें धर्मशाला में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, और जैसा कि आप इस वीडियो में सीनरी देख रहे होंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग है। तो ऐसे ही आप लोग भी धर्मशाला आइए और इन्हीं श्रुति और सक्षम की तरह मज़े ले लीजिए धर्मशाला टूर पर। तो आगे ले कर चलता हूँ मैं आगे अपनी जर्नी पर धर्मशाला टूर पर। इतने सारे नाम देखकर मेरा मन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया है, और मैं सोचता हूँ कि क्यों हमारे पड़ोसी देश ये युद्ध नीति में लगे रहते हैं, क्यों युद्ध होता है और क्यों हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। उन शहीद सूर वीरों ने जो उन्होंने अपने आज की चिंता ना करते हुए हमारे देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ऐसे महान शूर वीरों के यहाँ पर जो नाम लिखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और मुझे उन सब के परिवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदना है। वो माओं के बेटे कितने बहादुर थे ये आज यहाँ पर आकर मुझे पता चल गया। वो हमारी तरह एक ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं थे जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें, वो हमारे देश का गर्व हैं, गौरव हैं, और ऐसे ही गौरव और गर्व के लिए ये वार मेमोरियल धर्मशाला में बनाया गया है। ये उनके किए हुए जो बलिदान के लिए एक छोटा सा उनकी यादों के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बनाया है। उनके बलिदान को तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन उनकी याद में कुछ क्षण यहाँ पर आकर उनको श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं। अपने देश की रक्षा करने के वाले, अपने देश के लिए मर मिटने वाले ऐसे शूरवीरों के लिए मेरा सलाम। वार मेमोरियल देखने के बाद मैं सीधे टी गार्डन आ चुका हूँ। टी गार्डन धर्मशाला में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं कि असम की चाय पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन धर्मशाला की चाय भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ की ग्रीन टी काफ़ी सारे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है, और यहाँ पर टी का जो बिजनेस है वो डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर आकर आप टी गार्डन को भी विजिट कर सकते हैं, जो आप देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैक्लोडगंज में आपको लोकल साइट सीन कराने के लिए मेरे साथ हैं कर्नल सिंह जी। कर्नल सिंह जी यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं और यहाँ के सारे लोकल सीन घुमाते हैं। तो आइए जानते हैं कर्नल सिंह से वो कैसे इस ट्रिप को, आपकी इस ट्रिप को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम कर्नल सिंह है, और यहाँ का जो मैक्लोडगंज का लोकल जो साइट सीन है उसमें आता है नड्डी व्यू पॉइंट, डाल लेक, सेंट जॉन चर्च, और भागसुनाग टेम्पल, भागसुनाग वाटरफॉल, दलाई लामा टेम्पल, और धर्मशाला का जो साइट सीन है इसमें टी गार्डन, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, बार मेमोरियल, कुणाल पथरी टेम्पल और क्रिकेट स्टेडियम,
ये हम पूरा दिन का 2000 रुपया लेते हैं और पूरे दिन में इसको कवर कराते हैं और अच्छे से घुमाते हैं, मतलब पूरा दिन लग जाता है लगभग इसमें। मतलब कितने बजे सुबह आप निकलते हैं? 9 बजे निकल जाते हैं लगभग ना। और कितने बजे तक वापस आ जाएंगे? 5-6 बजे आते हैं जी पूरा। तो आप सुबह 9 बजे करनाल सिंह जी के साथ बैठ जाइए और अपनी टेंशन भूल जाइए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा चीजें करनाल सिंह जी अपने आप संभाल लेंगे। आपको सिर्फ 9 बजे आकर इनको 2000 रुपए देना है और इनकी गाड़ी में बैठ जाना है, जैसे कि इनकी गाड़ी है। और आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए हमारे। तो मेरा नंबर है 9882553333। तो आप जब भी मैकलोडगंज और धर्मशाला आए तो कर्नल सिंह जी ने अपना नंबर भी दे दिया है और इनके साथ आकर इस जर्नी को बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली और बहुत कम खर्चों में आप घूम सकते हैं। एक ही दिन में ये ट्रिप आपकी पूरी कंप्लीट करा देंगे। धर्मशाला आने के बाद मुझे काफी सारी चीजें फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही हैं। इससे पहले तक मैंने टी गार्डन भी नहीं देखा था, आज मैंने ये टी गार्डन देखा है। ये काफ़ी ज़्यादा घना होता है और इसके जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल भी आपको कहीं भी जगह नहीं दिखेगी और पूरे में ये ग्रीन ग्रीन टी गार्डन में आपको टी के पेड़ देखने को मिलेंगे। इस टी गार्डन में बताते हैं कि स्नेक्स रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट एनवायरनमेंट होता है अपने रहने के लिए। तो इसी कारण मैं इस टी गार्डन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ क्योंकि मुझे स्नेक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आप लोग भी कभी जब टी गार्डन देखने आए तो स्नेक्स का काफ़ी ध्यान रखें और शूज़ वगैरह पहन के आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, मैंने तो शूज़ नहीं पहने इसलिए, और मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्लीपर्स में हूँ। लेकिन आप लोग जब भी आएँ तो शूज़ पहन कर आएँ और टी गार्डन में तभी आप एंटर करें। बाकी टी गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बस थोड़ा सा स्नेक से डरने का। टी गार्डन देखने के बाद अब मैं धर्मशाला में एक शक्तिपीठ मंदिर में आ चुका हूँ। इस शक्तिपीठ मंदिर का नाम है श्री दुर्गा माता कुणाल पत्री मंदिर। इस मंदिर में बहुत अनोखी एक कहानी है, वो मैं आपको सबको बताऊंगा नीचे चल के। सबसे पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद उस कहानी को सुनते हैं। चल रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यही वो मेन मंदिर है माता का और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर इस मंदिर की। तो आप धर्मशाला आकर इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें। मंदिर में माता की मूर्ति का फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो आप सभी जब लोगों को उनके माता के दर्शन करने हैं तो धर्मशाला आकर आपको यहाँ पर आकर ही दर्शन करने पड़ेंगे। तो आइए अब यहाँ के पंडित जी से जान लेते हैं मंदिर की विशेषताओं के बारे में और क्या यहाँ का संपूर्ण क्या। श्री दुर्गा कुणाल पत्री मंदिर के पंडित जी हमारे साथ हैं और अब हम उनसे इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो पंडित जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है, कैसे क्या है। जय माता की। ये जो मंदिर है माँ का शक्तिपीठ में आता है, जो कपाल है माँ का कपाल माना गया है, कुणाल पत्री के नाम से विख्यात है। असली नाम माता का कपालेश्वरी देवी है। कपाल मीन्स ये वाला पार्ट जो सिर का पार्ट होता है उसको कपाल माना गया है। जो हमारे जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक आता है, सती माता हुई थी तो उनके अंग गिरे थे तो उनमें से एक है। तो यहाँ पे नीचे जो पिंडी बनी हुई है वो शंभू अपने आप बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप बनी हुई है। ऊपर कपाल का आकार है, गोल जैसा पत्थर है वो कपाल का आकार है। उसमें एक जल आता है बारिश का, ऊपर से छत खुली है, जब बारिश होगी तो डायरेक्ट बूंदे उसमें गिरती हैं। तो ये जल 12 महीने ऐसे रहता है, ना गलेगा ना सड़ेगा ना स्मेल पड़ेगी, गंगा जल की तरह पवित्र रहता है ये जल। और इस जल को जैसे घर में कई लोग ले जाते हैं, जैसे कई बीमारियों के लिए पीते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं, तो सब कार्य के लिए परिपूर्ण है, मतलब इसका जल बहुत प्रभावशाली है। अच्छा जी जी, जैसा हमें पंडित जी ने इस मंदिर की सारी विशेषताएं बताई, मुझे पूरी आशा है आपको इस मंदिर की विशेषताएं जानकर इस मंदिर को देखने की इच्छा जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, उस वजह से मैं मंदिर के आपको बाहर से ही दर्शन कराता हूँ। और आपको अगर पूर्ण दर्शन करना है तो आप यहाँ पर
खुद स्वयं आकर इस माता के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और इस पानी को अपने साथ ले जा सकते हैं घर पर और उससे आप अपने सारे स्वास्थ्य और सारी परेशानियों से दूर सकते हैं। धर्मशाला देखने के बाद मैं आपको यही कहूंगा कि धर्मशाला आप अक्टूबर से मार्च के बीच में ही प्लान करें, क्योंकि अक्टूबर से मार्च में हमारे इंडिया में एक विंटर सीजन आ जाता है और जैसा कि धर्मशाला उतनी ज़्यादा ठंडी जगह नहीं है जैसे कि मनाली, शिमला, नैनीताल और मसूरी हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी ठंड की कमी महसूस होगी। समर्स के टाइम में आप उतने ज़्यादा खुश नहीं हो पाएंगे कि जितना आप मनाली और शिमला जाके ठंड को महसूस करते हैं, तो इसलिए आप अक्टूबर से मार्च तक धर्मशाला को प्लान करें। और वैसे काफ़ी सुंदर है। और इसके बाद मैं सीधे अब मैक्लोडगंज जा रहा हूँ। मैक्लोडगंज में बताया जाता है कि थोड़ा सा अलग सी सीनरी, अलग सी रोड्स एंड अलग से लोग हैं और उन लोगों को, हमारे प्यारे भाइयों को, नेबर्स को, हमारे तिब्बती भाई बहनों को, कल्चर को देखने को मिलता है। मैक्लोडगंज में दलाई लामा भी एक अपना एक आकर्षण है और उसको मैक्लोडगंज को दलाई लामा कल्चर खास बनाता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैक्लोडगंज टूर की आने वाली है जो कि 10 से 12 दिन में आपके चैनल पे नोटिफाई हो जाएगा, तो इसीलिए इन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरे वीडियोस कैसे हैं और मैं उनमें क्या मॉडिफाई करूं, कैसे उनको और ज़्यादा अच्छा बनाऊं जिससे आपको मेरे चैनल को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो थैंक यू सो मच, मुझे पूरी आशा है आपने ट्रैवल क्लिनिक को अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक भी किया होगा और बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे, क्योंकि आपको मैक्लोडगंज की जो वीडियो मिलने वाली है, एक अलग दुनिया में आपको दिखाने वाला हूँ, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और लाइक करते